बिहार के आरा में एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में गोली लगने से मौत हो गई, जहां इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। घटना भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के भदवर गांव की है। मृतक भदवर गांव निवासी दिनेश राय का 18 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार है, जो कल रात अपने घर से दोस्तों के साथ गांव में निकला था और इसी बीच बगीचे में आग तापने के दौरान उसे गोली लग गई और वो जख्मी हो गया। घटना के बाद जख्मी युवक के साथ मौजूद उसके दोस्तों ने इसकी जानकारी परिवार वालों को दी, जिसके बाद परिवार वाले और उसके दोस्त उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाए, जहाँ घायल की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। लेकिन बीच रास्ते में ही गोली से घायल युवक संतोष कुमार ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। हालांकि मृतक के परिजनों की माने तो संतोष की हत्या की गई है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि हत्या किस लिए और किसने की है, जबकि मृतक के परिजन इस हत्या को अंजाम देने की आशंका घटना के वक्त मौजूद उसके दोस्तों पर जाहिर कर रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। इधर पुलिस शव का अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के साथ ही पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। क्या हुआ है? पीछे तो कर रहे वो लड़का के गोली तो मार दिया हलो आपके बच्चे को। हाँ, अगल बगल करवाई तो ऐसे तो अगल बगल के तो अथी है और क्या है, कुछ नहीं हुआ है। हमको तो फोन किया लोग 12 बजे रात के, तो हम 12 बजे रात के दोनों परानी उठ के अपन घूमे वही टेम्पा टेम्पू थोड़े था, ये लोग अपन छो हम दी था लोग इधर उधर का कहाँ कहाँ ले गया लोग, हमको क्या पता। अच्छा, और कुछ नहीं पता था। पहले से कोई लड़ाई था? पहले से लड़ाई था, साथ में रहता था, सब प्रेमी दोस्ती था, अपन घूमता था रहता था। सब गांव के लड़के हैं, कोई धराया भी है? निखिल क्या है, आप कौन हैं इनके? उनका पापा है लड़का का, वो जो मरे हैं उनका क्या नाम है? संतोष। आपका? मेरा नाम है दिनेश कुमार। कहाँ गांव है? भदौर। वही रहते हैं चांदी थाना में ना? भदौर घर पता है। अच्छा, से तरफ पता है। प्राइवेट। क्या निकला था घर से? घर से खाना खा के 8:30-9 बजे के करीब में निकला था। क्या बोल के निकला था? कि दोस्त फोन कर रहा है, हम आ रहे हैं। तो फिर आप लोगों को कैसी सूचना मिली? हम लोग का सूचना इसको आरा हॉस्पिटल सगरू नाच लिया, नहीं हुआ तो 12 बजे कौन मतलब वही सब लेकर इसका दोस्त, हाँ इसका दोस्त लेकर घूम गया। 12 बजे इसके घर के बगल में मम्मी से आके बोलने के लिए बोला, मम्मी से बोला तो मम्मी गई रोड पर से गाड़ी पर बैठी, चले जात मीठापुर पटना प्राण दे दिया। अच्छा, ये कैसे घटना, गोलीबारी की घटना क्या हुआ, कौन मारा है? गोली ये नहीं जानते हैं कि कौन मारा है, लेकिन ये जानते हैं कि किनके किनके साथ में था, किसके किसके साथ में था। वहाँ का 3 गो लड़का को उसका मम्मी नाम धरी है, जो नाम है एगो सामने धरा गया है, एक मनीष नाम का लड़का, एक चंदन नाम का लड़का, मम्मी उसकी बता रही थी तो वो दोनों धराया कि का ये हम अभी यहाँ है तो हमको पता नहीं है। मनीष तो दुश्मनी से मारा गया है या फिर इसको दोस्ती था? दोस्ती था, हाँ दोस्ती था। किस पे शक है आप लोग को? दोस्ती में अभी सब क्या किया क्या नहीं किया हम लोग को पता नहीं है, माने वही लोग मारा है उम्मीद है। उम्मीद की क्या कैसे मारा है ये सब हमको लोग को पता नहीं है, वही सब ना बताएगा की कैसे लगा। मेरा नाम सुदामा है। क्या लगते हैं उसका? हम मुझसे भाई लगते हैं, मेरा घर का बगल का है।